हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनू सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम एक्सरसाइज 1 सी। देखो एक कोई बंदा था जिसने एक साथ 36 फ्लैट खरीदे। भाई बहुत बड़ा है, बिजनेस टाइकून लग रहा है मुझे, है ना। यूजुअली आदमी एक अगर फ्लैट खरीद ले तो बड़ी बात होती है, पूरी सोसाइटी में हो जाते ना पूरे माल। भाई उन्होंने तो नया फ्लैट खरीदा है, यहाँ पे उसने खरीदे 36 फ्लैट। ठीक है, जो 36 फ्लैट की जो कॉस्ट है वो इतनी है। ठीक है, तो हमें एक फ्लैट की कॉस्ट मालूम करनी है। ठीक है, देखो अभी हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसका। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स है ना, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स इज इक्वल टू 6825150। ठीक है, अब हमको देखो कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट निकालनी है। देखो अगर एक का कॉस्ट गिवन होती है हमको ज्यादा की निकालनी होती है, ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना। लेकिन हम देखो ज्यादा फ्लैट की कॉस्ट गिवन है, हमें कम की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कम की निकालने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर, हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको, 36 से करना है ना तो 2 से करें, तो देखो दोनों इवन नंबर्स है ना, 2 1 2 2 8 16। ऊपर वाले को भी 2 से करो, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 बचा 1, 2 5 10 आया 1, 2 7 14 आया 1, 2 5 10 और 0। ठीक है, फिर से हम इसे 2 से कर सकते हैं, राइट। चलो देखो 2 9 18। ठीक है, इसको भी 2 से करो, 2 1 2 बचा 1, 2 7 14। ठीक है, 0 आया, फिर 2 6 12, फिर 2 2 4 आया 1, 2 8 16 आया 1, 2 7 14, 2 5 10। तो ये कितना हो जाएगा 1 7। ठीक है, इसको अब करना है आपको 9 से डिवाइड, है ना, तो ऐसे कर लेते हैं 9 से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलो 9 1 9 कितना बचा यहाँ पर 8। ठीक है, फिर ये आ गया 0 नीचे। ठीक है, 9 9 81 होता है, इसका मतलब ये तो छोटा है, तो इसका मतलब ये किससे जाएगा, 8 से जाएगा। ठीक है, 8 9 72 कितना बचा 8, 6 नीचे ले लो। ठीक है, 9 9 81 कितना बचा 5, 2 नीचे लो। ठीक है, फिर किससे जाएगा ये हमारा 5 से, 9 5 45 ये बचा हमारा 7, इसको इधर कर ले। ठीक है, ये 8 आ जाएगा फिर नीचे। ठीक है, मैंने इसी चीज को यहाँ पे 7 बचा था ना, फिर ये 8 नीचे उतर के आया, तो मैंने 78 इधर लिख लिया है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो किससे जाएगा ये, कैसे जाएगा ये, अब हमारा 9 9 तो 81 होता है, इससे छोटा जाएगा, है ना, 9 8 72 बचा 6। ठीक है, अब नीचे उतर के क्या आएगा 7। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, 9 7 63। ठीक है, फिर कितना बचेगा ये 4, अब ये क्या 5 नीचे उतर के आ गया, है ना। ठीक है, 5 9 45। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया। एक फ्लैट की जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है अभी देखते हैं हम, ये एक फ्लैट की कॉस्ट आ गई। ठीक है, 18,95,875। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये काफी लेंदी एक्सरसाइज, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24। द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg 250 ग्राम। देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, हाँ, जो आपके सिलेंडर आता है गैस सिलेंडर, उसकी जो वेट है वो कितना है, 30 kg 250 ग्राम्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, एक खाली सिलेंडर है ना, या फिर ये बोलो अगर इसमें गैस ना हो। ठीक है, ये भी तो वही है, तो जो है अगर इसमें गैस नहीं है तो इसका वेट कितना है, 14 kg 480 ग्राम्स। ठीक, फिर ये कह रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ द गैस कंटेन्ड इन इट, हमें इसमें जो गैस है उसका वेट बताना है। ठीक, तो समझो क्वेश्चन को, समझो एक ग्लास है, ठीक है, मैं कहती हूँ इस ग्लास का वेट जो है वो 2 किलो है। ठीक है, और इसमें अगर मैं पानी डाल देती हूँ,
तब इसका वेट जो है वो 5 kg हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि पानी डाला तो वेट हो गया 5 kg। अब ये बताओ पानी का वेट कितना हुआ, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 5 - 2 है कि नहीं, तो पानी का वेट कितना हो जाएगा, 3 kg। खैर वैसे यहां पर है, भरे हुए ग्लास का वेट 5 kg है, खाली ग्लास का वेट 2 kg, तो बताना है पानी का वेट कितना है, तो सिंपल माइनस करना है। ठीक है, लेकिन अब माइनस हम करेंगे कैसे, देखो ये हमारा है केजीज में और ये है हमारा घर हमारा ग्राम्स में। ठीक है, तो देखो इसको हम माइनस करके देखते हैं। ठीक, ये ग्राम्स में, ठीक है, तो देखो 50 grams, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 30 kg 250 grams में से हमको माइनस करना है 14 kg 480 grams। ठीक है, चलो इसको हम माइनस करके देखते हैं। यहाँ पर 0 में से 0 गया बचा 0, यहाँ 15 में से 8 गया तो बचा 7। ठीक है, 11 में से 4 गया, यहाँ से 1 लेगा, जब ये जो है 30 kg था ना, तो यहां से एक इधर आ जाएगा 12 पे, 12 में से ये गया तो बचा अगेन 7। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 4 गया तो दिस इज 5। ठीक है, और ये कितना बचा, 2 में से 1 गया बचा 1। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये 15 kg क्या था, 15 kg था और 770 क्या था, ग्राम्स था। ठीक, तो चलो फिर इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस, ठीक है, गैस के साथ जो सिलेंडर है उसका वेट कितना है। ठीक है, दिस इज 30 kg और 250 grams। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे आप, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, मास ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली सिलेंडर है ना, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर कितना है ये, 14 kg 480 grams। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ गैस इन इट है ना, मास ऑफ गैस, क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अभी देखा है सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आंसर आया है ना, तो हम वो आंसर लिख देते हैं, 15 kg 770 grams। क्लियर है, ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी मेरे बेटे की आवाज आई होगी, अम्मा अम्मा है ना, जितना लेंथी चैप्टर है उतना ही मेरे बेटे ने आज परेशान करा है। चलो कोई नहीं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम अ क्लोथ 5 meter लॉन्ग, ठीक है, एक कपड़ा है वो कितना है, 5 meter लंबा है। ठीक है, हमने उसमें से हमें जरूरत पड़ी तो हमने 2 meter 85 centimeters स्पेस में से क्लोथ जो है वो काट लिया। ठीक है, 75 centimeter का। ठीक है, तो अब ये बताना है कि कितना, अच्छा दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 है ना, 5 meter था तो हमने, सॉरी ठीक, हमने इतना मीटर कपड़ा काट लिया। ठीक है, अब हमें बताना है कितना मीटर कपड़ा जो है वो बचा है, तो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ क्लोथ है ना, कपड़ा कितना बड़ा है, 5 meter। ठीक है, और लेंथ ऑफ क्लोथ कट डाउन, कट ऑफ, ठीक है, जो हमने कट करा है वो कितना है, 2 meters 85 centimeters। ठीक है, फिर आप लिखोगे लेंथ ऑफ क्लोथ रिमेनिंग है ना, अब कपड़ा कितना बचा है, तो देखो क्या करेंगे, 5 meter माइनस 2 meter 85 centimeters है कि नहीं, तो चलो माइनस करते हैं हम इसको, 2 meters 85 ऊपर लिखो 75, दिस इज मीटर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ 0 0 है कि नहीं, ठीक है, दिस इज योर 25। देखो 10 में से 5 गया है ना, 1 इधर आ जाएगा, ये ले लेगा 1 इधर, 10 में से 5 गया बचा 5, 9 में से 8 गया बचा 1, ठीक है, 4 में से 2 गया बचा 2, तो
तो कितना बचा हमारे पास 2 meters 15 centimeters। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 meters 75 centimeter क्लॉथ इज नीडेड। ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो फिर आप लिखिए टू मेक वन शर्ट क्लॉथ नीडेड इज, कितना कपड़ा चाहिए हमें, 2 meter 75 centimeters। क्लियर है, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं कि 16 ऐसी शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो फिर लिखिए टू मेक 16 शर्ट कितना कपड़ा चाहिए होगा, 2 meter 75 centimeters into 16, है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, हमें पता है दैट 1 meter क्या होता है, 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeters होता है, तो 2 meters को मैं 200 centimeters लिख दूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 centimeters प्लस 75 centimeters, तो ये टोटल कपड़ा कितना आ गया, 275 centimeters। ठीक है, तो मैं अब इजीली इनको जो है मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए 275 into 16। ठीक है, 6 5s are 30, 6 7s are 42, 45, 6 2s are 12 और 16, 5 7 2 0 0 1 7 2 14 2 3 4, तो ये कितना आ गया, 44400 centimeter। इतना कपड़ा लगेगा 16 शर्ट बनाने में। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसको आप मीटर्स में करो, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे ना, 0 से 0 0 से 0, तो मीटर्स में कितना कपड़ा लगा, 44 meters। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई, एक ही बात है, चाहे आप आंसर सेंटीमीटर्स में लिखो या मीटर में लिखो। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 इन द नेक्स्ट वीडियो से।